जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सा रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोशिका सजीवों में पाई जाने वाली सूक्ष्म इकाई होती है। सजीवों का जो शरीर होता है वह कोशिका से ही मिलकर बना हुआ होता है। दोस्तों, कोशिका इतनी सूक्ष्म इकाई होती है कि इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसकी यही परिभाषा हो जाएगी कि सजीवों में पाई जाने वाली सूक्ष्म इकाई को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। दोस्तों, इसकी एक और परिभाषा है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए कि जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों, इसकी ये भी एक परिभाषा हो जाएगी। अब दोस्तों, हम कोशिका को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक घर को बनाने में हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भी हमारा जो शरीर होता है वह भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे एक घर को बनाने में सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है ईंट। ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरा बनता है और कमरे से मिलकर एक घर बनता है। दोस्तों, उसी प्रकार से जो सजीवों का शरीर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर शरीर बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन भी किया जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को कहाँ पर किया जाएगा, तो कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में किया जाता है। इसकी जो खोज है वह रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसकी रॉबर्ट हुक ने खोज की, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वह एक डेड सेल थी, वह एक मृत सेल थी। तो पहली जो जीवित कोशिका की खोज की थी वह की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी, और वह जो कोशिका थी वह किसकी थी, जीवाणु की कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वह एक क्या है, बैक्टीरिया है, वह एक जीवाणु है। इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की पाई जाती है। अब दोस्तों, हम मानव में जान लेते हैं कि मानव में जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है शुक्राणु की होती है, वह स्पर्म की कोशिकाएं होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम की होती है। मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन भी हम कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे मस्तिष्क में यह कोशिका न्यूरॉन पाई जाती है, यह कोशिका ऐसी होती है कि इस कोशिका में विभाजन नहीं होता है। मतलब कि अगर इस कोशिका को कुछ भी अगर डैमेज होता है तो यह जल्दी से अपनी उसकी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हमारे सिर में चोट लगती है तो उससे भी व्यक्ति की डेथ होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें कहीं भी जाए हम तो हमें हेलमेट लगा कर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क में हमारी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें विभाजन नहीं होता है। दोस्तों, तो फिर ऐसी कौन सा भाग है ह्यूमन का जहाँ पे कोशिका का सबसे तेज विभाजन होता है? तो दोस्तों, लीवर वह भाग है जहाँ पर सबसे तेज विभाजन होता है। मतलब अगर ये थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो ये अपने आप ही रिपेयर भी या ठीक भी हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आगे की बात कर लेते हैं, कोशिका के प्रकारों को जान लेते हैं। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो जीव पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें दो एक एक कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं और इसमें बहु कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है।
चलिए दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक आकार में प्रायः छोटा होता है, तो यह जो यूकैरियोटिक सेल होती है उससे प्रायः छोटी होती है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक और गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों ये जो विभाग होते हैं क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों अगली जो इसकी बात है, इसमें केवल 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो इसमें देखते हैं हम बैक्टीरिया, पैरामीशियम और अमीबा प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव है। उसी प्रकार से दोस्तों हम यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं, तो यूकैरियोटिक का जो आकार होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है इसमें। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, हरित लवक भी पाया जाता है और गोल्जी काय भी पाया जाता है। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। और यह सभी पौधों और जंतुओं में जो कोशिकाएं पाई जाती है वह यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देखिए दोस्तों, पहले एक ये डायग्राम देख लीजिए तो आपको इससे थोड़ी बेसिक जानकारी समझ में आ जाएगी। ये है पादप कोशिका का डायग्राम और ये है जंतु कोशिका का। तो पादप कोशिका के जो भाग यहाँ पे विभिन्न भाग लिखे गए हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे कि ये जो भाग होता है, ये जो इसका कवर होता है, ये जो बाहर वाला जो इसका कवर होता है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और इसके अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों यहाँ पर जो ये इंग्रेडिएंट पाए जा रहे हैं इनको, ये हरित लवक है। यहाँ पर कोशिका के यहाँ भाग में ये सेंटर पाया जाता है, इसको केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर राइबोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है और भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न भाग पाए जाते हैं कोशिका के। इसी प्रकार से जंतु कोशिका के भी विभिन्न भाग पाए जाते हैं, केंद्रक है, यहाँ पे लाइसोसोम है, राइबोसोम है। तो आगे हम इन विभिन्न भागों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले तो हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर डिस्कस कर लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। दोस्तों पादप कोशिका जो होती है वह जंतु कोशिका से आकार में बड़ी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें एक रसधानी पाई जाती है, केवल एक ही बड़ी रसधानी पाई जाती है। रसधानी क्या होती है हम आगे जब इसके भाग पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सीलिया नहीं पाई जाती है। सीलिया मतलब होती है कि इसमें जो ये कोशिका होती है इसके जो बाहरी आवरण पर इसे सीलिया पाई जाती है, तो उन सीलियों की मदद से वो क्या कर पाती है, गति कर पाती है। तो पादप कोशिका में सीलिया नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में सीलिया पाई जाती है। जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका में केवल, इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक नहीं पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। और इसमें एक से अधिक रसधानियाँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों हम आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं जो है इसके कोशिकांग। अब हम कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं कि कोशिकांग क्या होते हैं। चलिए दोस्तों तो कितने क्या कौन कौन से कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानियाँ या रिक्तियाँ, लवक के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और तारक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला है हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह क्या होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य से दोस्तों मतलब क्या होता है कि यह अपने आर पार चीज़ों को कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर पदार्थों का आदान प्रदान होने देती है। यह जो कोशिका झिल्ली होती है यह प्रोटीन की और लिपिड से बनी हुई होती है। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि यह है सेल वॉल और इसके अंदरूनी जो भाग है, इसका जो अंदरूनी भाग यहाँ पर है
इस सेल वॉल का जो सेल वॉल के अंदर जो अंदरूनी भाग दिखाई देता है वही क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है और यह एक सुरक्षात्मक परत होती है। दोस्तों आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की जो ऊपर का जो कवर आता है, पेड़ का जो ऊपर का जो कवर आता है वही क्या कहलाती है, उसकी कोशिका भित्ति कहलाती है। जिस प्रकार से जैसे हम पौधे देखते हैं तो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्युलोज की बनी हुई होती है, जीवाणुओं में वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और जो फंगस पाई जाती है, जो कवक पाए जाते हैं उसमें वह काइटिन की बनी हुई होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल वॉल कैसे क्या दिखती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे अगले भाग को जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोला जाता है। तो केंद्रक इसको इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, उसका जो निर्धारण करता है और उसका जो नियंत्रण करता है वह ये केंद्रक ही करता है, इसलिए कोशिका का इसे नियंत्रक भी कहा जाता है। दोस्तों इसी में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ये वाली जो कोशिका होती है, ये जो केंद्रक होता है, इसी में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। दोस्तों केंद्रक में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये यहाँ पे जो आपको ये छोटे छोटे जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इस पूरी कोशिका में जो हमारे पूरे शरीर को जो पावर मिलती है, जो यही क्या करता है, पावर हमको देता है। इसमें क्या मिलता है, इसमें डीएनए भी मिलता है। यह ग्लूकोज का दहन कर क्या बनाता है, ऊर्जा। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन बना के देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। श्वसन की क्रिया को संपादित भी यही करता है। चलिए दोस्तों अगले कुछ भागों को हम देख लेते हैं। अगला है रसधानिया। रसधानिया रिक्तिका या इन्हें वोकल्स भी कहा जाता है। तो वोकल्स जो होता है वह क्या करती है, पानी का संग्रहण करती है, और यह सबसे बड़ा भाग जो घेरती है वो किस में घेरती है, पादप में यह घेरती है। पादप में लगभग 90% भाग पर, 90% भाग पर यही पाई जाती है, और जंतुओं में छोटी छोटी पाई जाती है लेकिन एक से अधिक पाई जाती है, और पादप में केवल एक ही पाई जाती है और 90%। दोस्तों पिछले डायग्राम में हमने देखा था, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रसधानी रिक्तिका वोकल्स। ये जो डायग्राम है यह जो है वह पादप कोशिका का है, तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक ही वोकल्स पाई गई है, एक बहुत बड़ी वाली वोकल्स। चलिए दोस्तों अब हम आगे समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं लवक के बारे में। लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। तो प्लास्टिड केवल और केवल पादप में पाया जाता है, कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं लवक के माध्यम से जो भी कोशिका होती है वो अपना भोजन का निर्माण करती है। आप डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि लवक किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो लवक भी कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हरे लवक होते हैं। जो हरे लवक होंगे वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। कुछ ल्यूकोप्लास्ट टाइप के होते हैं, जो रंगहीन होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करने का काम करते हैं। और कुछ लवक क्रोमोप्लास्ट करके होते हैं, जो क्या करते हैं, एक सेकंड दोस्तों। तो क्रोमोप्लास्ट करके होते हैं, जो केरोटीन नामक वर्णक होता है, जो पौधों को पीला, लाल या नारंगी रंग प्रदान करता है, जो कीटों को आकर्षित करता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे जान लेते हैं। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह जो लाइसोसोम होता है वह जल अपघटन एंजाइम होते हैं, मतलब कि यहाँ कोशिका में अगर कोई भी जो
हिस्सा है जो कोशिका के हिसाब से नहीं चल पाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसे वहीं पर अपघटित कर देता है। इसे लोड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसे लोड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि लाइसोसोम किस तरीके का दिखाई देता है। आगे हम देख लेते हैं तारक केंद्र क्या होता है। तो तारक केंद्र कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो कोशिका विभाजन, और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो यह हमारे यकृत या लीवर में पाई जाती है, और इसी का जो अभाव होता है हमारे न्यूरॉन में होता है, इस कारण से वहाँ पे विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार का दिखता है। इसमें भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक स्मूथ पाया जाता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो जो स्मूथ वाला होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो वसा का निर्माण करता है, और जो खुरदरा होता है, जो रफ वाला होता है, यहीं पर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये राइबोसोम का भी आप डायग्राम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। तो गोल्जी का काम का क्या होता है कि कोशिका में कोई सी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। ये दोस्तों गोल्जी काय का आप डायग्राम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस टॉपिक पे हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका कितने प्रकार की होती है, और कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में जानने की कोशिश की। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।